guys, welcome back to my channel. So guys, in today's video, I'm going to share my Myntra haul. So yes, video helpful रहती है, मजेदार लगती है, then please do like, share and subscribe my channel. Subscribe कर देते हो, bell icon hit नहीं करते और सारी videos miss कर देते हो. तो ऐसा आपने नहीं करना है, so please hit that bell icon also. So yeah, without any further ado, let's get into the video. So guys, Myntra पे end of reason sale आने वाली है. 3 से start हो जाएगी, like 3 जुलाई से start हो जाएगी वो sale. सो परचेजिंग करना, बिकॉज Myntra की सेल बहुत शानदार होती है, लाइक बहुत ज़्यादा शानदार. और सभी प्रोडक्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एज वेल एज मेरा मेजरमेंट भी मिल जाएगा. बाकी आपको सभी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बता दूंगी. सो गाइज, माई फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन पीस. यू कैन सी दिस वन इज बाय द ब्रांड नोन एज एथना. तो ये आपने देखा होगा, इसमें आपको इसी टाइप की बेसिकली यही सेम डिजाइन में आपको इतनी लेंथ में आई गेस टॉप भी मिल जाती है. सेम डिजाइन है टॉप का भी, मैं टॉप की भी पिक इंसर्ट कर दूंगी और वन पीस की भी आप देखना. सेम डिजाइन है, बट मैंने ये वन पीस इसलिए पिक किया क्योंकि बहुत कम लोगों को मैंने देखा था ये वन पीस को पिक करते हुए, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा. तो मैं आपको अच्छे से शो कर देती हूँ. ओके, सो कुछ इस टाइप से आपको रिसीव होगा. सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी है पफी स्लीव्स, जो कि इतनी आती है, बहुत ज्यादा ट्रेंडी लगती है. आपको ट्राई ऑन दिख जाएगा, थोड़ा और हम साइड हो जाते हैं जिससे कि आपको बेटर लुक मिल जाए. तो ये जो स्लीव्स है ये बहुत अच्छी है. प्रॉपर इसमें पफ दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि प्लीट्स बनाई हुई है, तो काफी अच्छा है. और यहाँ पे लगा हुआ है इलास्टिक जिससे कि ये पफ को अच्छे से होल्ड करता है. ओके, तो फ्रंट की हम बाद में बात करेंगे बिकॉज फ्रंट में ज्यादा डिटेलिंग है. पहले मैं आपका बैक को दिखा देती हूँ. बैक बिल्कुल प्लेन है, यू कैन सी आपको नी लेंथ तक ये ड्रेस आएगी. एंड अब बात करते हैं हम इसके फ्रंट की. एंड आई मीन द साइज एक्स्ट्रा स्मॉल गाइस, ये आप देख सकते हो. आई होप कि आपको विजिबल होगा. सो मेरा साइज इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल है और मुझे काफी अच्छे डिस्काउंट पे मिल गई थी. ओके, अब ड्रेस की बात करते हैं. तो फ्रंट से गाइस आपको ये वी शेप का नेक मिलेगा. अभी आप इस नेक को देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे बहुत ज्यादा डीप होगा, बट ऐसा नहीं है. एक्चुअली ये इस टाइप से आ जाता है, लाइक कवर हो जाता है, तो इतना डीप नहीं लगता है और आप इसमें बहुत कंफर्टेबल एज वेल एज सेक्सी भी लुक लगता है और कंफर्टेबल भी फील करते हो. ओके, अब नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लीट डिटेलिंग मिल जाती है, हल्की सी, ज्यादा नहीं है, हल्का सा है. और फिर इसके नीचे है एक बेस्ट पार्ट जो कि है ये स्लिट. आपको ये स्लिट डिटेल मिल जाएगी. बहुत अच्छी लगी कि इसमें ये जो स्लिट है इसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, बहुत ज्यादा अच्छा भी लुक आएगा इसका. तो ये आप ड्रेस वेयर कर सकते हैं अपने बर्थडे पे, कोई भी स्पेशल जो भी ओकेजन है, डेट वगैरह पे अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए ये ड्रेस बहुत प्रीटी रहेगी. इसका कलर भी बहुत प्यारा है. मटीरियल की बात करते हैं तो मटीरियल काफी अच्छा है. लाइक इस साइड से अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा दरदरा जो मटीरियल होता है वो है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल सॉफ्ट है, तो बहुत ज्यादा आपको कंफर्टेबल फील होती है. ओवरऑल ये ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, लाइक हाईली. ओके, प्लीज गो फॉर दिस वन, ये बहुत अच्छी है. और मेरी हाइट 5'2" है, तो ये मुझे प्रॉपर नी लेंथ तक आ रही है. आपने ट्राई ऑन में देख लिया होगा, बहुत प्यारा लुक आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छी है. और इसको आप पेयर कर सकते हो व्हाइट हील्स के साथ एंड व्हाइट ही हैंडबैग ले सकते हो, तो उसका लुक बॉम्ब हो जाएगा. सो या, और ये एक स्टेटमेंट पीस है, तो इसके साथ आपको ज्वेलरी की भी इतनी नीड नहीं होगी. सो माय फर्स्ट पीस इज दिस वन. मैंने हील्स पे ऑर्डर की थी, लाइक मुझे एक प्रॉपर ब्लैक हील चाहिए. अगर आपको किसी को पता है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक. तो प्लीज मुझे वहां सेंड कर दीजिएगा लिंक किसी भी एक अच्छी प्रॉपर ब्लैक हाई हील्स का. ओके, तो मैंने Myntra से परचेज की थी, आपको स्क्रीन पे उसकी भी पिक दिख जाएगी. तो ये जो हील थी ये स्वेड मटेरियल में थी, इसकी हील साइज भी काफी अच्छी खासी थी और मुझे बिल्कुल ऐसी ही चाहिए थी, इसलिए मैंने परचेज की थी. ये कुछ ट्रफल कलेक्शन से थी और आई मीन दी साइज UK 5 एंड यूरो मेरा 38 आता है, तो ऐसा मेरा साइज है. तो साइज मैं कहूंगी कि परफेक्ट था, नो डाउट, बट टू रीजन से वो बहुत ज्यादा टाइट थी, लाइक बहुत ज्यादा टाइट, और मेरे से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था. लाइक मैं ऐसे चल रही थी उसमें, ऐसे ऐसे करके, मतलब अलग ही तरीके से, जबकि मैंने इतनी हाई हील्स बहुत बार पहनी हुई है और मैं मोस्टली हील्स ही पहनती हूँ बिकॉज मेरी हाइट शॉर्ट है इसके वजह से, बट मुझे वो हील बिल्कुल भी नहीं आ रही थी. आई डोंट नो कि उसकी उसमें कोई तो इश्यू था जिसकी वजह से बिल्कुल चलना नहीं हो पा रहा था. इवन मेरी फ्रेंड ने भी उसको ट्राई करके देखा, वो भी नहीं चल पा रही थी. तो इट मीन्स कि उस हील में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ थी. तो आप चेक कर लेना, मैंने स्क्रीन पे पिक डाल दिया. अगर आप कोई परचेज करने की सोच रहे हो तो मत परचेज करना बिकॉज आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे. तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, बाकी आप देख सकते हो. और मुझे एक अच्छी ब्लैक हाई हील्स की प्लीज पिक सेंड कर देना, लिंक सेंड कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे परचेज करनी है प्लीज. ओके, अब इसकी बात करते हैं. तो मैंने जीन्स परचेज किए हैं, ये है बूट कट जीन्स, ये आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इसका लुक आएगा. मैं आजकल बॉटम वेयर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद कर रही हूँ बिकॉज बॉटम वेयर
ही मतलब मेन लुक होता है। आप बॉटम वेयर डिफरेंट डिफरेंट पहनोगे और सेम टॉप पहनोगे तो डिफरेंट सा लुक हो जाता है, इसलिए मेरे को बॉटम वेयर में इन्वेस्ट करना पसंद आ रहा है। तो ये बूट का जींस है, अगर आप ये देखोगे तो इसका जो वॉश है वो मीडियम वॉश है, ये लाइट वॉश नहीं है, ये मीडियम वॉश है और इसमें ये डिजाइन बनी हुई है जो कि लाइट वॉश से बनी हुई है। थोड़ा सा वॉश का डिफरेंस है, कहीं लाइट है कहीं डार्क है, तो इस टाइप की डिजाइन बनी हुई है। और ये पूरा देखो आप, थोड़ा सा मीडियम वॉश है और एज वेल एज यहाँ पे आपको हल्का सा लाइट वॉश मिलेगा एंड देन फिर अगेन आपका मीडियम वॉश आ जाता है, ठीक है। बात करूँ फैब्रिक की, फैब्रिक बहुत अच्छा है, लाइक बहुत सॉफ्ट है, आप इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, ओके। एंड दिस इज बाय द ब्रांड मोड, ओके, तो ये मोड ब्रांड से है एंड आई मीन दिस साइज 28, मुझे 28 साइज ही आता है और ये मुझे काफी अच्छे से फिट हो गई है। ये हमने बात कर ली, फ्रंट पे आपको ये दो पॉकेट मिल जाती है एज वेल एज ये कॉइन के लिए भी आपको मिल जाता है। सेकेंड हम बात करें बैक में, तो आपको बैक में भी इसमें अच्छी पॉकेट्स मिलती है और काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको ब्रांड की यू नो लोगो वगैरह मिल जाता है एज वेल एज आपको यहाँ पे भी मिल जाता है सोया, और यहाँ पे मेंशन है कि ये बूट कट जीन्स है, ओके, ये आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसके लोअर रीजन की, तो ये कुछ इस टाइप से आपको रिसीव होता है, इसमें येलो थ्रेड से थोड़ा सा ही वर्क है, मतलब ओवरऑल इसमें येलो थ्रेड का ही पूरा काम है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे ना ये हल्की सी लॉन्ग है बट मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मेरे को तो हील्स के साथ इसको वेयर करना है और इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। ओवरऑल ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, फिट है, कम्फर्टेबल आप इसमें फील करोगे, तो मुझे ये जीन्स बहुत अच्छी लगी। अगर आप भी एक अच्छी बूट कट जीन्स देख रहे हो देन प्लीज़ डू ट्राई दिस वन। इसमें आपको एक लाइट वॉश में भी मिल जाएगी बट ये मीडियम वॉश मुझ पे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप पे लाइट वॉश अच्छा लगता है तो आप उसके लिए जा सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट आई गॉट दिस स्कर्ट, तो मुझे बाय करनी थी इस टाइप की एक पेंसिल स्कर्ट, तो ये कुछ इस टाइप से है, आप देख सकते हो साइड में आपको पिक भी मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लग रही है मुझ पर, एक्चुअली मुझे नी लेंथ तक चाहिए थी लेकिन ये थोड़ी सी लॉन्ग है और मेरी हाइट शॉर्ट है तो ये इतना फ्लैटिंग मुझ पर नहीं लगी। बाकी मेरा साइज में मैंने अगेन परचेज किया था 28, बेसिकली एस साइज एंड दिस इज बाय द ब्रांड नोन एज कैजुएले। और गाइस रिसेंटली मैंने मिंत्रा का, मतलब इसी मंथ में मैंने मिंत्रा का टॉप्स हॉल भी शेयर किया है, तो आप वो चेक कर लेना। इस पर मैंने इतना कोई टॉप वगैरह परचेज नहीं किया तो आप वो चेक कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे मैंने टॉप्स दिखाए थे, आई विल लिंक इट डाउन, ओके। तो ये कुछ इस टाइप से है, आपको फ्रंट में ना ये बक्कल मिल जाता है, एक क्या हो रहा है ये बक्कल ऐसे कैसे हो रहा है मैं दिखाती हूँ आपको, ओके, ये बक्कल डिटेलिंग मिल जाती है जो कि मूव भी हो सकता है अगर आप मूव करना चाहो तो, बक्कल है और इस पर थोड़ा सा पर्ल डिटेलिंग है और ये प्लास्टिक का है तो ये टूट भी सकता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से। बाकी इसमें आपको बैक में यू नो इलास्टिक डिटेलिंग मिल जाती है तो आपके अकॉर्डिंग फिट हो जाता है, फ्रंट से कुछ ऐसा लुक देगा और थोड़ी लॉन्ग रहेगी ये। एंड बैक से इसमें नीचे ये कट आउट आपको मिल जाता है, इस टाइप से कट रहती है तो काफ़ी सेक्सी लुक आता है नो डाउट, बट ये हल्की सी और शॉर्ट होती तो मुझे ज़्यादा बेटर लगती, ये थोड़ी सी मेरे को लॉन्ग लग रही है पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं इतनी लॉन्ग नहीं वेयर करती, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही इल्यूजन क्रिएट होता है कि मैं और भी शॉर्ट हाइटेड हूँ, सो दैट्स द रीज़न। बात करेगा इस मटीरियल की, अगर आपकी हाइट अच्छी है तो इसके लिए आप ज़रूर जाइए। मटीरियल इसका अगेन इस टाइप का दरदरा मटीरियल है और इस तरह से सॉफ्ट है तो बहुत अच्छी फैब्रिक, बहुत अच्छा है और ये जो ब्लैक है ये बिल्कुल भी डस्ट को नहीं पकड़ता, बहुत से ब्लैक ऐसे होते हैं जो डस्ट को बहुत जल्दी यू नो कैच कर लेते हैं, ये वैसा ब्लैक नहीं है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो गाइस नेक्स्ट आई हैव दिस हैंडबैग, तो ये आपको मैंने बर्थडे गिफ्ट में शो किया था, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था बट उस वीडियो को इतने लोगों ने देखा नहीं था तो मैंने सोचा कि इस हॉल में भी इसको ऐड कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पे अब तो आपको मिल ही जाएगा। सो ये बेसिकली ब्लैक कलर का स्लिंग बैग है और उसमें ये वेलवेटी टेक्सचर है एज वेल एज इसके साइड में बिल्कुल लेदर डिटेलिंग हो रखी है तो बिल्कुल भी खराब नहीं होता और स्वेट मटीरियल काइंड ऑफ है इसका बेसिकली। और यहाँ पे आपको ये टेसल्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी क्यूट लुक देते हैं और अंदर से कुछ इस टाइप का है, आपको यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है इनकेस आप अपना छुट्टा रख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको एंड काफ़ी मैग्नेटिक बेसिकली इसमें क्लोजर है। और बात करेगा इसकी तो ये आपको आप इसको स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो एज वेल एज आप इसको शोल्डर बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स द रीज़न मैंने इसको परचेज किया है बिकॉज मुझे दोनों तरह से इसको यूज़ करना था। तो ये आप देख सकते हो, मैं इंसर्ट कर दूंगी अपनी पिक्स, मैंने इसको काफ़ी बार अभी तो स्टाइल भी कर लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसकी चेन ना बहुत हैवी है, लाइक बहुत थिक है, लेट मी शो यू, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ये थिक चेन है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज ऐसी थिक चेन होती है तो आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो, ये डर नहीं है कि टूट वूट तो नहीं जाएगी, तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एज वेल एज इसका कलर बिल्कुल भी अभी तक तो फेड नहीं हुआ है, मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ बट काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा। तो आप स्लिंग बैग के लिए डेफिनेटली जा सकते हो, बहुत अच्छा वाला ये लुक देता है, राइट, बहुत अच्छा लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा। और ये है
H&M से. ओके, अब आपको लोगो दिखा देती हूँ. उसका लोगो जो है अंदर मिलता है यार, यहाँ पे आपको मिलेगा. ठीक है, तो ये H&M से है, आप परचेज कर सकते हैं मिंत्रा पे. अगेन आपको ये मिल जाएगा बिकॉज उसने मुझे मिंत्रा से ही परचेज करके दिया था, मुझे काफी पसंद आया. टॉप परचेज की है जो कि है ब्रांड से स्ट्रीट 9. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो आपको ट्रायल में बेटर तरीके से समझ आएगा. तो आपको बेसिकली यहाँ पे स्ट्रैप मिल जाती है और यहाँ पे पूरा इस पे बेसिकली नेट का डिटेलिंग है. तो ये बेसिकली आपकी बस्ट एरिया को कवर करता है. ये आप देखोगे तो आपको ट्रायल में दिखेगा, जैसे बस्ट एरिया को ओनली कवर करेगा और उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे नेट मिल जाती है. ये आप देखो, ठीक है, और यहाँ पे इलास्टिक भी मिल जाती है, ऊपर से अच्छे से फिट हो जाता है. बट यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट है, लाइक यहाँ पे कोई भी इलास्टिक नहीं है. ऊपर से इस जगह पे तो आपको इलास्टिक है बट नीचे कोई भी इलास्टिक नहीं है, बस वो दिक्कत है. और आपको पूरा ये नेट मिलता है, नेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है. कलर इसका मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, फैब्रिक ओवरऑल बहुत अच्छा है. और साइड में आपको ये मिल जाती है नो शो जिप, जिसको आप क्लोज कर सकते हो, वेयर करते वक्त ओपन भी कर सकते हो. इसे इजिली वेयर हो जाएगा, नहीं तो ये ना आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ से ये लूज है और यहाँ से ये टाइट है थोड़ा. तो इसकी वजह से आपको ये जिप को ओपन करना ही होगा. और मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने जिप दी है. एंड ये स्ट्रीट 9 से जैसे मैंने बताया, एंड आई मीन दी साइज एक्स्ट्रा स्मॉल. मुझे इसमें स्मॉल साइज परचेज करने की नीड पड़ेगी. वैसे तो मुझे ये भी आ गया है और ये भी काफी अच्छा लुक लग रहा है. गाइस लास्ट मेरे पास है वन पीस. अगेन ये भी बर्थडे गिफ्ट था, जैसे कि मैंने बताया उस पर अच्छे व्यूज नहीं थे तो मैंने इसको दोबारा शो कर रही हूँ. और ये मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया था. सो ये बिल्कुल यू नो आपको लेपर्ड प्रिंट में मिल जाता है. ये बेसिकली हाई लो वन पीस है, आपको साइड में मिल जाएगा. मॉडल पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था. आपको इलास्टिक मिलेगा तो इसको ऑफ शोल्डर करके वेयर करोगे. और ये जो स्लीव्स है बेसिकली 3/4 काइंड ऑफ स्लीव्स है, तो अच्छा है. और इस पर प्रॉपर एक लेपर्ड प्रिंट है जो कि मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है. और इसके साथ आपको ये भी मिल जाता है अस्तर. इससे बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. और इसका फैब्रिक यू नो हम बोलते हैं ना, उसका थोड़ा सा जॉर्जेट काइंड ऑफ वैसा इसका फैब्रिक है. तो फैब्रिक भी ब्रीदेबल है, बहुत अच्छा है. और आप ट्राई ऑन बेसिकली देख ही लीजिएगा इसका. मुझे ये वन पीस काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा. और इसको आप पेयर कर सकते हैं ब्लैक हील्स के साथ, ब्लैक बैग को ले लो, बहुत प्यारा लुक आएगा. और इसके साथ आप हुप्स जो साइज में थोड़े से बड़े होंगे वो हुप्स वेयर करना, या फिर टेसल ईयरिंग्स वेयर करना तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा बिकॉज ये ऑफ शोल्डर रहेगा. तो मुझे अच्छा लगा ये वाला वन पीस भी काफ़ी ज़्यादा. एंड दिस इज बाय द ब्रांड नोन एज स्कॉर्पियस, एंड आई मीन दी साइज स्मॉल. और यहाँ पे भी आपको ये अस्तर मिलेगा प्रॉपर. तो इसमें ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि यार कुछ विजिबल तो नहीं होगा, बिल्कुल भी सी थ्रू इसका मटेरियल नहीं है. मुझे काफी प्यारा इसका मटेरियल लगा और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है वन पीस. और इसका प्राइस भी बहुत सही लगा मुझे, तो इससे मैंने इसको परचेज कर लिया था. भाई ने मुझसे पूछ के गिफ्ट किया था मुझे, तो ये मैंने ही बाय किया था बेसिकली. तो मुझे काफी अच्छा ये वन पीस लगा, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं. और इसका फैब्रिक वगैरह ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा है, लाइक बहुत ज्यादा अच्छा. ये टॉप कहाँ से है, तो मैंने आपको अमेजन हॉल में शेयर कर ही दिया था. अगर आपने नहीं देखा तो गो एंड चेक दैट आउट. बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने परचेज की थी अमेजन से. तो ये मैंने अमेजन से परचेज किया था. ये है ब्रांड बैरी लश से. बैरी लश एक ब्रांड है बेसिकली, बहुत सही ब्रांड है. और बहुत ही अच्छे पीस मिलते हैं, लाइक बिल्कुल शीन वाले पीस भी मिलते हैं वहाँ पे. तो आप चेक कर लेना. वो आपको मिंत्रा पे भी मिल जाएगा, आजियो पे, और आपको मीशो, आजियो, मीशो, मिंत्रा, और आपको अमेजन एज वेल एज फ्लिपकार्ट, इन सभी साइट्स पे आपको ईजिली मिल जाते हैं बैरी लश टॉप और वन पीसेस. मुझे काफी पसंद आया, एक तो और भी परचेज करूंगी. इसकी बात कर लेते हैं, मैंने सोचा इसको भी आपको बता देती हूँ. तो ये बेसिकली जो वन पीस है ये बिल्कुल यू नो कॉटन फैब्रिक में है, तो बहुत ब्रीदेबल मटेरियल है. इसकी स्ट्रैप्स है, स्ट्रैप्स एडजस्टेबल है, यू कैन एडजस्ट दीज. एंड इसका इस टाइप का नेक है, यहाँ पे आपको बटन डिटेलिंग मिल जाती है जिसको आप ओपन भी कर सकते हो. और नीचे आपको टाई अप डिजाइन मिल जाएगा, साइड में आपको ट्राई ऑन भी मिल जाएगा. पूरा ही सनफ्लावर का प्रिंट है जो कि इसको बहुत ही क्यूट, बहुत ही समरी वाइब देता है. तो मुझे ये टॉप भी बहुत अच्छा लगा. और ये ब्रांड बैरी लश से था, तो ये अगर आप किसी भी साइड से परचेज करो, चाहे वो फ्लिपकार्ट से परचेज करो, अमेजन से, मिंत्रा से, सेम ही फैब्रिक रिसीव होगा क्योंकि ब्रांड वो एक ही है. इसलिए तो आप इसको परचेज कर सकते हो. आपको मिंत्रा पे भी मिल जाएगा, मैं इसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. एज वेल एज अगर आपको किसी भी साइड पे ये थोड़ा सा चीप रेट्स में मिल रहा हो तो आप उस साइड से परचेज कर लेना, बिकॉज ये टॉप मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा. बिल्कुल कॉटन फैब्रिक है, लाइक बहुत ब्रीदेबल इसका मटीरियल है. तो मुझे ये टॉप भी बहुत अच्छा लगा. मैंने मिंत्रा से परचेज की थी. दिस इज बाय द ब्रांड नोन एज ब्रेस्ट बैरी. काफ़ी अच्छी वॉच है ये, काफ़ी मुझे अच्छी लगती है, बहुत ही स्टाइलिश लुक देती है. तो अभी सेल में आपको और अच्छी डिस्काउंट पे मिलेगी, तो आप ये भी परचेज कर सकते हो. और ड्रेस बेरी की कोई भी वॉच परचेज कर सकते हो. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो. एंड पसंद आई हो देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन. सो चलिए गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, बाय, लव यू ऑल, बाय.